हेलो गाइस मैं लौट आई हूँ एक नई वीडियो के साथ आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एम जिसका टॉपिक है प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज आज हम प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज का एम सी डिस्कस करेंगे वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियोज हमेशा लेके आता रहता हूँ तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए अगर आप इस टॉपिक के एमसी को उस पी डी एफ फाइल में डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है आप उस लिंक पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन विच ऑफ़ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द एक्सरे ट्यूब करंट ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन्स रिवाल्विविंग अराउंड दियर ऑन एक्सिस ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन्स मूविंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड ऑप्शन डी नैन ऑफ द अबव यह क्वेश्चन में पूछा गया कि इसमें से कौन सा ऑप्शन एक्सरे ट्यूब करंट कॉन्स्टिट्यूट करता है यानी कि बनाता है तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन्स मूविंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड एक्सी ट्यूब में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मूव करते हैं कैथोड से एनोड तक वो एक्सी ट्यूब करंट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक्सी ट्यूब में जब वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो उसका जो फिलामेंट है वो हीट अप होने लगता है और उसका फिलामेंट हीट अप होने के बाद इलेक्ट्रॉन का एमिशन करता है जो कि अपने टारगेट यानी कि एनोड पर जाकर बम करते हैं तो ये मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन्स का फ्रॉम कैथोड टू एनोड इसी को ही ट्यूब करंट बोला जाता है क्वेश्चन नंबर टू व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द हीट जनरेटेड इन द एनोड ऑफ द एक्सी ट्यूब ऑप्शन ए हाई एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट आइटम ऑप्शन बी कॉन्टेंट एक्साइटेशन एंड रिटर्न ऑफ आउटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑप्शन सी थर्मो एमिशन ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अब यह क्वेश्चन पूछे गए एक्सी ट्यूब के एनोड में हीट जो जनरेट होती है उसके पीछे क्या रीजन होता है तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है ऑप्शन बी कॉन्स्टेंट एक्साइटेशन एंड रिटर्न ऑफ आउटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स एक्सर ट्यूब में जब वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो उसका जो फिलामेंट है वो हीटअप हो गया इलेक्ट्रॉन का एमिशन करता है जो कि अपने टारगेट यान के एनोड पर जाकर बम्बारमेंट करता है तो जो इलेक्ट्रॉन एमेट एमिट होते हैं फ्रॉम द फिलामेंट इनकी अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है और इसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो टारगेट के एटम होते हैं उन एटम्स के जो ऑटोमोश इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं और फिर वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं तो ये प्रोसेस बार बार होता है और जो काइनेटिक एनर्जी है वो उसका मैक्सिमम पार्ट हीट में कन्वर्ट हो जाता है और जो स्मॉलेस्ट पार्ट है काइनेटिक एनर्जी का वो एक्सरे में कन्वर्ट हो पाता है तो यही रीज़न है इसके एनोड के हीट के जनरेशन का क्योंकि इसमें जो टारगेट आइटम के जो आउटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली अपने एक्साइटेड स्टेट में जाते रहते हैं और वापस ग्राउंड स्टेट में आते रहते हैं तो इसका मेन रीज़न है हीट के जनरेशन का क्वेश्चन नंबर थ्री हाउ मेनी परसेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टिकल इलेक्ट्रॉन्स इज कन्वर्टेड इन टू एक्सरेज ऑप्शन ए नाइन्टी नाइन परसेंट ऑप्शन बी फिफ्टी परसेंट ऑप्शन सी ट्वेंटी परसेंट ऑप्शन डी ओनली वन परसेंट यह क्वेश्चन में पूछे गए कि प्रोजेक्टिकल इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का कितने परसेंट एक्सरेज में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी ओनली वन परसेंट फिलामेंट से जो इलेक्ट्रॉन का एमिशन है, का होता है उनकी काइनेटिक एनर्जी का सिर्फ वन परसेंट ही एक्सरे के जनरेशन में यूज़ होता है बाकी का नाइनटी नाइन परसेंट हीट में कन्वर्ट हो जाता है क्वेश्चन नंबर फोर व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन एनोड हीट इफ़ वी इंक्रीज द एक्सी ट्यूब करंट ऑप्शन ए एनोड हीट विल इंक्रीज ऑप्शन बी एनोड हीट विल डिक्रीज ऑप्शन सी एनोड हीट विल रिमेन सेम ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव यह क्वेश्चन में पूछेगा कि एनोड हीट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम एक्सी ट्यूब करंट को बढ़ा देंगे तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए एनोड हीट विल इंक्रीज अगर हम एक्सीट्यूब करंट को बढ़ाते हैं तो एनोड हीट भी बढ़ जाएगा क्योंकि जो एनोड हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यानी कि डिपेंड करता है डायरेक्टली एक्सीट्यूब करंट पर अगर एक्सी करंट बढ़ा जाएगा तो एनोड हीट भी बढ़ जाएगी क्वेश्चन नंबर फाइव इन डायग्नोस्टिक रेंज वाट विल हीट प्रोडक्शन इफ वी इंक्रीज द के ऑप्शन ए हीट प्रोडक्शन विल इंक्रीज ऑप्शन बी हीट प्रोडक्शन विल डिक्रीज ऑप्शन सी हीट प्रोडक्शन विल रिमेन सेम ऑप्शन डी नन ऑफ द अब यह क्वेश्चन ने पूछा गया है कि हीट प्रोडक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम के वी पी को बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए हीट प्रोडक्शन विल इंक्रीज तो जो हीट प्रोडक्शन है वो वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है के वी पी के अगर हम के वी पी बढ़ाते हैं तो उससे जो एनर्जी है वो बढ़ जाएगी और उससे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो गई क्वेश्चन नंबर सिक्स हाउ मेनी परसेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टल इलेक्ट्रॉन्स इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट ऑप्शन ए ओनली वन परसेंट ऑप्शन बी ट्वेंटी परसेंट ऑप्शन सी फिफ्टी परसेंट ऑप्शन डी नाइन्टी नाइन परसेंट यह क्वेश्चन में पूछे गए कि प्रोजेक्टेल इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी का कितने परसेंट हीट में कन्वर्ट हो जाता है तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी नाइन्टी नाइन परसेंट जो प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि मूव करते हैं फिलामेंट से अपने टारगेट यानी कि एनोड की तरफ उनको प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है और उनकी काइनेटिक एनर्जी का 99 परसेंट हीट में कन्वर्ट हो जाता है और ओनली वन परसेंट एक्सरे के प्रोडक्शन में यूज़ होता है क्वेश्चन नंबर सेवन एट सिक्सटी के हाउ मनी परसेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कन्वर्टेड इन टू एक्सरेज ऑप्शन ए जीरो ऑप्शन बी वन ऑप्शन सी सेवेंटी ऑप्शन डी ट्वेंटी यह क्वेश्चन पूछे गया है कि सिक्सटी के पर इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी का कितने परसेंट एक्सरे में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए ज़ीरो पॉइंट फाइव परसेंट तो सिक्सटी के पर जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स के उसका जीरो पॉइंट फाइव परसेंट यूज़ होता है एक्सरे के जनरेशन में अगर पूछा जाए कि हंड्रेड के पर कितने परसेंट काइनेटिक एनर्जी का यूज़ होता है एक्सरे के जनरेशन में तो उसका राइट आंसर होगा वन तो ये या आपको याद रखना है कि हंड्रेड के पर वन परसेंट कानेटिक एनर्जी का यूज होता है एक्सरे के जनरेशन में और सिक्सटी के वी पी पर जीरो पॉइंट फाइव परसेंट कानेटिक एनर्जी का यूज होता है एक्सरे के जनरेशन में क्वेश्चन नंबर एट कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन आर प्रोड्यूस्ड मैन ऑप्शन ए प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन्स इंटरेक्ट विद द न्यूक्लियस ऑफ द टारगेट आइटम ऑप्शन बी प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन्स इंटरेक्ट विद द आउटोशैल इलेक्ट्रॉन ऑफ द टारगेट आटम ऑप्शन सी प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट विद द इनर शैल इलेक्ट्रॉन ऑफ द टारगेट आइटम ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि करेक्टरस्टिक रेडिएशन कब प्रोड्यूस होती हैं तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट विद द इनरचल इलेक्ट्रॉन ऑफ द टारगेट एटम जब कोई ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करता है किसी एटम के इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन से तो उससे करेक्टरिस्टिक रेडिएशन प्रोड्यूस होती हैं आपको जो बात याद रखनी वो ये है कि जब भी कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन रे प्रोड्यूस होती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन से ही इंटरेक्ट करता है ना कि आउटर मोशन इलेक्ट्रॉन से तो यह बात आपको याद रखनी है क्वेश्चन नंबर नाइन विज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन इज करेक्ट ऑप्शन ए प्रोजेक्टिकल इलेक्ट्रॉन्स इंटरेक्ट विद द इनर इलेक्ट्रॉन ऑफ द टारगेट एटम ऑप्शन बी जनरेटेड हैज द एनर्जी इक्वल्स टू द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व ऑप्शन सी आउटर शेल इलेक्ट्रॉन फॉल्स इनटू द क्वेश्चन के रिगार्डिंग इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव जब कोई प्रोजेक्टर इलेक्ट्रॉन या फिर इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करता है इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन से किसी आइटम के तो उस एटम को रिजेक्ट कर देता है और उस जगह खाली हो जाती है तो उस जगह को भरने के लिए जो आउटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो वहाँ पर आ जाता है और उस जगह को भर देता है तो इस तरह से जो दो ऑर्बिटल की एनर्जी का डिफरेंस होता है उस एनर्जी की कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन प्रोड्यूस होती है क्वेश्चन नंबर टेन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेडिएशंस आर यूजफुल फॉर मेमोग्राफी ऑप्शन ए ब्राकिंग रेडिएशंस ऑप्शन बी ब्रह्मचलिंग रेडिएशंस ऑप्शन सी कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशंस ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव यह क्वेश्चन पूछा पूछेगा कि मेमोग्राफी में किस टाइप की रेडिएशन यूजफुल होती हैं तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी करेक्ट्रिस्टिक रेडिएशन करेक्ट्रेस्ट रेडिएशन मेमोग्राफी में यूज़ होती है क्योंकि ये सॉफ्ट रेडिएशन होती है और मेमोग्राफी में सॉफ्ट रेडिएशन का यूज़ किया जाता है क्योंकि मेमोग्राफी एक सॉफ्ट टिश्यू रेडियोग्राफी है क्वेश्चन नंबर अलेवन इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्रम्स रेडिएशन द इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट विद ऑप्शन डी आउटर ऑफल इलेक्ट्रॉन ऑफ टारगेट ऑप्शन बी इनर्शियल इलेक्ट्रॉन ऑफ टारगेट आइटम ऑप्शन सी न्यूक्लियर फील्ड ऑफ टारगेट आटम ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एपो यह क्वेश्चन ने पूछा कि रेडिएशन के प्रोडक्शन में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किससे इंटरेक्ट करता है तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी न्यूक्लियर फील्ड ऑफ टारगेट आइटम ब्रह्मशलंग रेडिएशन के प्रोडक्शन में जब कोई इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन या फिर जो प्रोजेक्ट इलेक्ट्रॉन किसी आइटम के सर्कम्फ्रेंस में एंटर करता है तो उसके न्यूक्लियस के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो डिफ्लेक्ट हो जाता है और उसकी जो कानेटिक एनर्जी है वो लॉस हो जाती है तो इसी कैनेटिक एनर्जी का जो लॉस है वो एक्सरे के प्रोडक्शन में निकलता है जिसको हम ब्रह्मशल रेडिएशन बोलते हैं ब्रह्मशलंग रेडिएशन को डिसलेटेशन रेडिएशन भी बोला जाता है क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो डिसट हो जाती है यानी कि कम हो जाती है या फिर रिड्यूस हो जाती है तो इसलिए इसको डिसलेटेशन रेडिएशन भी बोला जाता है और इसका दूसरा नाम ब्रेकिंग रेडिएशन भी है इसको ब्रेकिंग रेडिएशन के नाम से भी जाना जाता है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व वट टाइप्स ऑफ एक्सरेज आर मोर लाइकली टू बी एबजॉर्ब इन द मैटर ऑप्शन ए हाई एनर्जी ऑप्शन बी लो एनर्जी ऑप्शन सी इंटरमीडिएट एनर्जी ऑप्शन डी ऑल ऑफ द दबाव ये क्वेश्चन पूछेगा कि किस तरह की एनर्जी मैटर में ऑब्जॉर्ब हो जाती हैं तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी लो एनर्जी जो लो एनर्जी वाली जो एक्सरेज होती हैं जो रडिशन होती हैं वो मैटर में आप्जॉर्ब हो जाती हैं और जो हाई एनर्जी रेडिएशन होती है वो मैटर को क्रॉस कर जाती हैं और एबजॉर्ब नहीं होती हैं इसी में जो आप देख सकते हैं कि जो हाई एनर्जी रेडिशन होती हैं वो ईजिली मैटर को क्रॉस कर जाती हैं और जो लो एनर्जी रेडिशन होती हैं वो मैटर में आप्जॉर्ब हो जाती हैं और उसको क्रॉस नहीं कर पाती हैं जैसे कि यहाँ दिखाया गया जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो टीशू को क्रॉस नहीं कर पाता है टीशू में ऑब्जॉर्ब हो जाता है और जब बीटा पार्टिकल है वो टीशू को क्रॉस कर जाता है बट एल्यूमिनियम शीट को क्रॉस नहीं कर पाता है तीसरी तरफ जो गामा रेडिएशन है ये काफ़ी हाई एनर्जी रेडिएशन होती है और ये सब मैटर को क्रॉस कर जाती है और किसी में भी एबजॉर्ब नहीं होती है ये सिर्फ कंक्रीट की मोटी मोटी दीवारों से ही इसको रोका जा सकता है क्वेश्चन नंबर थर्टीन एट सेवनटी के वी पी बी द एनर्जी ऑफ ब्रह्मचल रेडिएशन प्रोड्यूस्ड ऑप्शन ए सेवेंटी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑप्शन बी थर्टी फाइव किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑप्शन सी एनीथिंग अप टू सेवेंटी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑप्शन डी द अबव यह क्वेश्चन में पूछे गया है कि 70 के वी पी पर जो ब्रम रेडिएशन रेडिशन प्रोड्यूस होती है उसकी एनर्जी क्या होगी तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी एनीथिंग अप टू सेवनटी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेवनटी की वीपी पर जो ब्रैमसाइन रेडिएशन प्रोड्यूस होगी उसकी जो एनर्जी होगी वो जीरो से लेकर सेवेंटी के इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हो सकती है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प टू रिमूव लो एनर्जी एक्सेज फ्रॉम द बीम ऑप्शन ए लो ट्यूब करंट ऑप्शन बी लाइट शील्ड ऑप्शन सी एडिट फिल्ट्रेशन ऑप्शन डी डिजाइन ऑफ टारगेट मटेरियल यहाँ क्वेश्चन में पूछे गया कि इसमें से कौन सा ऑप्शन लो एनर्जी एक्सेरेज को रिमूव करने में हेल्प करता है फ्रॉम द बीम यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है ऑप्शन सी एडिट फिल्ट्रेशन एडिट फिल्ट्रेशन लो एनर्जी एक्सरे को मेन बीम से रिमूव करने में हेल्प करता है जिससे कि उसकी जो एवरेज एनर्जी है वो बढ़ जाए क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन व्हाट विल हैपन टू एक्सरे बीम इफ यू इंक्रीज द के ऑप्शन ए पैनिटेशन पावर विल इंक्रीज ऑप्शन बी पैनीटेशन पावर विल डिक्रीज ऑप्शन सी एब ऑप्शन विल इंक्रीज ऑप्शन डी इंक्रीज नंबर ऑफ फोटो यह क्वेश्चन पूछे गए कि एक्सरे बीम पर क्या होगा अगर हम के वी पी को बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए पैनीटेशन पावर विल इंक्रीज अगर हम के वी पी बढ़ा देते हैं तो एक्सरे बीम जो पैनीटेशन पावर है वो भी बढ़ जाएगी क्योंकि के वी पी बढ़ाने से जो एक्सरे की जो एनर्जी है वो भी बढ़ जाती है तो जब एनर्जी बढ़ती है तो उसकी पैनीटेशन पावर भी बढ़ जाती है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन मैंने प्रोजेक्टर इज स्लो डाउन बाई द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए टारगेट एटम न्यूक्लियस रेडिएशन प्रोड्यूस्ड इज ऑप्शन ए ब्रेकिंग रेडिएशन ऑप्शन सी ब्रैमसाइकलिंग रेडिएशन ऑप्शन सी करेक्टरिस्टिक रेडिएशन ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी इस क्वेश्चन में पूछा गया कि जब प्रोजेक्ट की जो स्पीड है वो टारगेट आइटम के न्यूक्लियस के जो इलेक्ट्रिक फील्डर्स के द्वारा अगर स्लो कर दी जाती है तो जो रेडिएशन प्रोड्यूस होती है उसको क्या बोला जाता है तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी जब कोई प्रोजेक्टल इलेक्ट्रॉन या फिर इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन किसी एटम के में एंटर करता है तो उसके न्यूक्लियस के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो डिफ्लेक्ट हो जाता है या उसकी स्पीड स्लो डाउन हो जाती है तो इसकी वजह से जो रेडिएशन प्रोड्यूस होती है उसको हम प्रेमसगन रेडिएशन यानी ब्रेकिंग रेडिएशन बोलते हैं इसको डिसलेडेशन रेडिएशन भी बोला जाता है क्योंकि इसमें जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है जो प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पीड डिसलेट हो जाती है यानी कि कम हो जाती है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन विच ऑफ द फॉलोइंग विल हार्ड इन द एक्सरे बीम ऑप्शन ए एडिड फिल्ट्रेशन ऑप्शन बी ट्यूब करंट ऑप्शन सी ट्यूब वोल्टेज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव यह क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन एक्सरे बीम को हार्ड कर देगा तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है ऑप्शन ए एडिड फिल्ट्रेशन जो एडिड फिल्ट्रेशन होता है वो एक्सरे बीम को हार्ड कर देता है यानी कि इसकी जो एवरेज एनर्जी होती है वो बढ़ा देता है क्योंकि जो एडिड फिल्ट्रेशन है वो लोअ एनर्जी एक्सरे को रिमूव कर देता है जिससे इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है और वो बीम हार्ड हो जाती है क्वेश्चन नंबर एटीन भी तो फॉलोइंग टारगेट एलिमेंट्स आर यूज फॉर मेमोग्राफी ऑप्शन ए मॉलीबिडनम ऑप्शन बी रोडियम ऑप्शन सी टंगस्टन ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी यह क्वेश्चन में पूछे गए कि मेमोग्राफी के लिए जो टारगेट एलिमेंट होता है वो कौन सा यूज़ किया जाता है तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी मेमोग्राफी में सॉफ्ट रेडिएशन का यूज़ किया जाता है जिसके लिए लो एटॉमिक नंबर के टारगेट एलिमेंट की जरूरत होती है इसलिए और रोडियम का यूज किया जाता है क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर टंगस्टन से कम होता है और ये सॉफ्ट रेडिएशन को प्रोड्यूस करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन वाइट एडल्ट फिल्ट्रेशन इज़ यूज इन डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी ऑप्शन ए टू गिव स्ट्रेंथ टू एक्सरे फोटो ऑप्शन बी टू इंक्रीज एवरेज एनर्जी ऑफ बीम ऑप्शन सी टू डिक्रीज एवरेज एनर्जी ऑफ बीम ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में एडेड फिल्ट्रेशन का यूज़ क्यों किया जाता है यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी टू इंक्रीज एवरेज एनर्जी ऑफ द बीम जो एडिड फिल्ट्रेशन होता है उसका काम होता है जो बीम की एवरेज एनर्जी होती है उसको बढ़ाना तो ये एक्सरे बीम की एवरेज एनर्जी को बढ़ाता है इसलिए एडेड फिल्ट्रेशन का यूज किया जाता है तो एडेड फिल्ट्रेशन में एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है जिसकी थिकनेस वन टू टू एम एम होती है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फॉलोइंग एफेक्ट बोथ द क्वालिटी एंड क्वांटिटी क्वान्टी एक्सरेज ऑप्शन ए नंबर ऑफ टारगेट ऑप्शन बी नंबर ऑफ स्टेटर ऑप्शन सी एल्यूमिनियम फिल्ट्रेशन ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव यह क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें से कौन सा ऑप्शन क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ एक्सरे दोनों को अफेक्ट करता है तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए अटोमिक नंबर ऑफ टारगेट टारगेट का एटॉमिक नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और ये डिसाइड करता है क्वालिटी और क्वांटिटी एक्सीज की तो गैस आज के लिए इतना ही ये वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय